और इसी बीच बड़ी खबर, मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट है। समंदर में हाई टाइड की वजह से 5 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई के साथ पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी भारी बारिश की आशंका है। यानी इस आशंका को देखते हुए अलर्ट पर भी बीएमसी ने एनडीआरएफ की टीमों को रखा है। तो मुंबई में आज भारी बारिश का ये अलर्ट, समुद्र में हाई टाइड की वजह से 5 फीट ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। मुंबई के साथ साथ पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। और इसके मद्देनजर लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है और टीमों को भी अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की स्थिति वहां पैदा होती है तो तुरंत राहत वहां पहुंचाई जा सके। तो भारी बारिश का ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 फीट ऊंची ये लहरें उठती हुई अभी से नजर आ रही हैं। तो मुंबई में तेज बारिश का की संभावना और रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आशीष और ज्योत्सना इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं? अर्पिता, लगातार जो मूसलाधार बरसात का जो अलर्ट जारी किया गया है, उस बीच मुंबई में लगातार जो है रुक रुक कर मूसलाधार बरसात हो रही है। हाई टाइड आने के बाद जो है स्थितियां आपको साफ तौर पर समंदर की दिखाई पड़ेंगी। यानी कि सीधे अगर हाई टाइड जो 4.5 से 5 फीट का मीटर तक की बताई गई है, उन 4.5 से 5 मीटर तक की हाई टाइड के साथ अगर मूसलाधार बरसात होती है तो ऐसे में जो लो लाइन एरियाज हैं, खास तौर पर सायन, माटुंगा, विक्रोली, तिलक नगर, इसके अलावा सबर्ब्स के कई इलाके हैं अंधेरी, वो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। यही वजह है कि लोगों को पहले तो समंदर के किनारे आने से यहाँ पर देखें रोक दिया गया है। लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि समंदर के किनारे के हिस्से में कोई भी नहीं आएगा, जबकि वर्ली सीलिंग का इलाका है, यहाँ पर हमेशा ही लोगों की गतिविधियां बनी रहती हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जो है कहीं ना कहीं अनलॉक में कई लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए या फिर वक्त बिताने के लिए आते हैं, उन सभी लोगों को इसी के मद्देनजर जो है इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। और साफ तौर पे जो मूसलाधार बरसात है अगर इसी तरह से जारी रही तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बीएमसी का भी साफ तौर पे कहना है कि जो हाई टाइड आया है उसके कुछ समय के बाद मूसलाधार बरसात शुरू होगी और इसी के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं। लो लाइन इलाकों में पंप्स लगा दिए गए हैं तेजी से कि पानी जो है वो जमने ना पाए। जी ज्योत्सना का भी रुख कर लेते हैं, मरीन ड्राइव पर वो इस वक्त मौजूद हैं। ज्योत्सना, आप जहां पर मौजूद हैं हम देख रहे हैं कि लहरें वहां पर दिख रही हैं उठती हुई, कई फिट ऊंची ये लहरें जो नजर आ रही हैं, क्या उस इलाके से अब लोगों को भी मना किया गया कि वहां ना जाएं? बिल्कुल सही अर्पिता, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर लहरें जो है समुंदर की ऊंची ऊंची है, 4.5 से 5 फीट तक मीटर तक जो है लहरें बताई गई है, ऊंची हाई टाइड बताई गई है, जिसकी वजह से मुंबई, पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया है बीएमसी ने। और समुंदर के तट पर जितने भी लोग हैं उनको मना किया है वहाँ पर आने के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो नेवी और मुंबई पुलिस को भी बताया गया है कि आप हाई अलर्ट पर रहो, एनडीआरएफ की टीम को बताया गया है कि हाई अलर्ट पर रहो, क्योंकि लो लाइन एरिया जो होता है, जो निचला हिस्सा होता है मुंबई का, वहाँ पर पानी हमेशा जम जाता है। ये एक बहुत रिस्की पॉइंट होता है, क्योंकि मुंबई में आपने देखा होगा कि ज़रा सा भी तेज़ बारिश होती है तो तुरंत पानी जो है वो जम जाता है, पानी जल जमा हो जाता है। और आज जो है वो तेज़ बारिश के साथ हाई टाइड बताई गई है। ये हाई टाइड 11:37 पर बताई गई थी और जो अभी भी जारी है, उसके बाद जो है दोपहर में एक हाई टाइड आने वाली है, जिसको लेकर भी बीएमसी ने जो है हाई अलर्ट मुंबई में, पूरे मुंबई में जारी किया है। ज्योत्सना और आशीष, आप दोनों नजर बनाए रखिए। वहीं महाराष्ट्र के धुले में एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कों पर पानी भर गया, जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। इस बीच एक बाइक सवार पानी से भरी सड़क पर गुजरा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बाइक पानी के बहाव में फंस गई और वो गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई। उधर उत्तराखंड के काशीपुर में भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। धनगढ़ी नाले में पानी बढ़ने के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जैसे लोगों वहां से गुजरने वाली जो गाड़ियां थी उनको किनारे पर ही रोक दिया गया। लोगों की परेशानियां बढ़ गई, सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी बह रही हो। सड़क पर पानी बेहद तेज रफ्तार से बहता नजर आया।
वहीं तेलंगाना में एक इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क टूट गई और इस टूटी सड़क से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। असल में लगातार बारिश होने से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। हाल ऐसा दिखा कि मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ा इलाका नदी जैसा बन गया और यहाँ पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पक्की सड़क बीच से टूट गई। इस दौरान उस टूटी हुई सड़क से एक बस गुजरती दिखी, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और बस वहीं रोक दी। वहीं दूसरी ओर बने एक पुल पर कई लोग खड़े नजर आए और इस को कैमरे में कैद करते नजर आए। तो आप देखिए पानी का तेज, इतना बहाव इतना तेज कि सड़क के एक हिस्से को ही ये बहाव अपने साथ बहाता हुआ ले गया। गनीमत ही रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। बस यहां से गुजरने वाली थी, लेकिन ड्राइवर ने पहले ही इसे भांप लिया और बस को थोड़ी दूर पर ही रोक दिया। उधर राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिल्स तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे कई इलाके में अंधेरा छा गया। राजस्थान कोटा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश और तूफान की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। कई जगह पर आपको मोटरसाइकिल सड़क पर गिरी नजर आ रही होगी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी बारिश हो जाए जिससे उनको राहत मिले, लेकिन राहत नहीं, ये बारिश और तूफान आफत बनकर सामने आई। उधर राजस्थान के बारा में आंधी और तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सड़कों पर कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर पड़े, जिससे रास्ते बंद हो गए। वहीं आंधी की वजह से हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि पेड़ तेजी से हिलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बारिश भी तेज रफ्तार में हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखीं। तो राजस्थान बारा की तस्वीर, जहां आंधी और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि कई जगहों पर पेड़ जो है वो टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से आवाजाही भी ठप हो गई। गाड़ी भी काफ़ी धीमी चलती हुई नजर आई, क्योंकि आंधी की वजह से सड़कों की हालत भी खराब दिखी। एक तरफ मानसून की बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं भारी बारिश की वजह से सारे शहर में पानी सड़कों में भर गया। आलम यह है कि सड़कों में भरे पानी को बच्चों ने अपने खेलने का मैदान बना लिया और जमकर मस्ती की। भारी बरसात से सड़कों पर ये पानी भर गया, गाड़ी भी आधी डूबी हुई आपको दिखेगी। और इस बीच स्थिति ऐसी है कि अगर बारिश और होती है तो इस पानी का स्तर भी बढ़ेगा और ऐसे में ये पानी घरों तक भी पहुंच जाएगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 22,771 मरीज सामने आए। चीन सागर में अमेरिकी नौसेना ने अभ्यास शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक 2 दिन टली, पीएम ओली ने इस्तीफे से इनकार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लद्दाख के लोगों की नहीं सुनी तो नुकसान होगा। कोरोना काल में बीजेपी किए गए काम की जानकारी आज पीएम मोदी को देगी। धर्मचक्र दिवस पर पीएम मोदी ने बुद्ध के संदेश पर चलने की अपील की। मुठभेड़ मामले में पुलिस ने अब तक 300 लोगों से पूछताछ की। कानपुर मुठभेड़ केस में दारोगा विनय तिवारी ने मुखबरी के आरोपों को खारिज किया।
मुंबई में आज समंदर में हाईटाइड का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में दारोगा पर एक बुजुर्ग महिला पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। पुणे में एक शख्स ने करीब 3 लाख रुपए में सोने का मास्क बनवाया। राजस्थान के अलवर में टिड्डियों ने 5 किलोमीटर के एरिया की फसल बर्बाद कर दी। न्यूयॉर्क में टाइम्स के पास चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीन के अनहुई प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। गलवान में जवानों के पराक्रम पर अजय देवगन फिल्म बनाएंगे। कोरोना काल में ग्रोथ करने वाली इंडिया की टॉप 100 कंपनी की लिस्ट में रिलायंस भारत से अकेली कंपनी। भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने 45,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना काल में बाकी राज्यों से बंगाल में कम बेरोजगारी दर होने का दावा किया। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच आज पीएम ओली और प्रचंड के बीच हुई बैठक बिना किसी समझौते के रद्द हो गई। बैठक में ओली ने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रचंड ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को 2 दिन के लिए टाल दिया। बताया जा रहा है कि अगर पार्टी ओली के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करती है तो वो पार्टी तोड़ने के लिए अध्यादेश भी ला सकते हैं। नीरज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, ये जो बैठक है, करीब 2 से 3 घंटे बैठक चली थी प्रचंड और ओली के बीच में, ये कल देर शाम हुई थी। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। देखिए, ओली और प्रचंड बिल्कुल दोनों दो भागों में बट चुके हैं और प्रचंड का दबाव है कि ओली अपने दोनों पद से इस्तीफा दे, यानी प्रधानमंत्री के पद से और पार्टी अध्यक्ष के पद से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 2 अध्यक्ष हैं, एक प्रचंड और दूसरे केपी शर्मा ओली, तो दोनों पद से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन ओली अपने पद से इस्तीफा देने के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। तो 2 दिन के लिए अभी नेपाल का संकट टला है, लेकिन गहराया जरूर है। अब देखना होगा कि 2 दिन बाद जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी तब क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि ओली अपने मांग पे अड़े हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अध्यादेश लाने की तैयारी में है ताकि पार्टी का विभाजन हो जाए और फिर अगर कोई भी पक्ष बहुमत न सिद्ध कर सके संसद में तो फिर मध्यावधि चुनाव की वो घोषणा कर सके। तो देखना होगा कि नेपाल का राजनीतिक संकट आगे 2 दिनों में कैसे करवट बदलता है। जी, उधर चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका के 2 जंगी जहाज यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिणी चीन सागर में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे यहां चीन की बढ़ती दखलअंदाजी को रोका जा सके और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बिना रोक टोक के आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना के इस अभ्यास से चीन पर लगाम लगने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि विवादित पार्सल आइसलैंड में चीन के युद्धाभ्यास से इलाके में तनाव बढ़ सकता है और ऐसे युद्धाभ्यास से इलाके में तनाव घटाने की कोशिश में अड़ंगा लगेगा।